चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज 10 मार्च है और सबसे पहला क्वेश्चन ये है, किस मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है? पहला है अट्टुकल मंदिर, दूसरा है पंडालम अयप्पा मंदिर और तिरुवल्ला मंदिर, अरनमुला पार्थ सारथी मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्टुकल मंदिर कहाँ है? पहला है केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक, चौथा असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अब जानते हैं इसके बारे में। ये जो मंदिर है अट्टुकल भगवती मंदिर, ये भद्रकाली देवी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और जो भद्रकाली महाकाली हैं, वो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जन्म लिया है। दारुक नामक दानों का संहार किया था और ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। इस मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है क्योंकि यहाँ केवल महिलाएं ही अनुष्ठान करती हैं। वर्ष 2009 में इसी दिन महिलाओं ने एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ था, तो उसमें गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उन्होंने जगह बनाई थी। और ये 10 दिन का जो उत्सव है उसमें जो 9वें दिन सामूहिक रूप से प्रसाद को चढ़ाया जाता है और मिला जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो सबरीमाला का मुख्य मंदिर है उसमें सिर्फ पुरुष ही जाते हैं, वो भगवान अयप्पा का मंदिर है। लेकिन ये जो मंदिर है अट्टुकल भगवती मंदिर, ये महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। तीसरा है, किसे हांगकांग फ्लू के नाम से जाना जाता है? पहला है H3N2, दूसरा है H1N1 और तीसरा है H5N1, चौथा है H2N1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H3N2। इन्फ्लुएंजा का जो उपभेद होता है जैसे म्यूटेशन H3N2, ये बीमारी है। सर्दी, बुखार, थकान, सांस की बीमारी इसमें इम्पॉर्टेंट होती है और इसको फ्लू के रूप में जाना जाता है। ये जो इन्फ्लुएंजा होता है ये पशुओं के माध्यम से फैलता है और इसी H3N2 को हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है, मेगा ट्रॉपिक्स 1 उपग्रह क्या है? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है या नेविगेशन सेटेलाइट है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ नेविगेशन सेटेलाइट। यह एक इंडो फ्रेंच अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है और जो इस उपग्रह को पुनः प्रवेश परीक्षण को सफलतापूर्वक किया गया है, इसरो ने इसको किया है और ये हाल ही में चर्चा में था, इसलिए पूछा जा सकता है ये कौन सी सैटेलाइट है। पांचवा क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है या किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है शालिजा धामी या शिवांगी सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा शालिजा धामी। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी का चयन पश्चिमी क्षेत्र यानी पाकिस्तान से जो सटी हुई सीमा है उसमें एक फ्रंट लाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने के लिए इनका चयन किया गया है। यह पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? गोल्डन और सिल्वर स्टार या सिल्वर स्टार या गोल्डन स्टार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्डन और सिल्वर स्टार। भारत ने ITB बर्लिन 2023 में आयोजित
अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पदक जीतता है। ये कल के करंट अफेयर में मैंने इसको बताया हुआ है। ये आईटीपी बर्लिन 2023 में एक पवेलियन का उद्घाटन हुआ है, उसको देख लीजिए। सातवां क्वेश्चन है, मंडूक उपनिषद अमरत्व का सेतु पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा गया है डॉक्टर कौर सिंह द्वारा। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति के भाषण में इसको उन्होंने बताया है। नेक्स्ट, भारत के दौरे पे आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा श्री एंथोनी अल्बनीज़, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो मैंने पुराने ही डाल दिए। और डिस्क्रिप्शन में इसकी जो पीडीएफ है वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में एक स्टोरी भी है, उसको देखिएगा। और एक करेंट अफेयर कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।